सत श्री अकाल दोस्तों, जिहड़े बच्चे इंडियन आर्मी का ख्वाब रखते ने कि असी उत्थे जाना है अते लगना है देश की सेवा करनी है, उन्होंने लिए चंगी खबर है। जी हाँ दोस्तों, आर्मी दी नवीं भर्तियां ओपन हो चुकिया ने। आओ तुहानू दिखाउंदे हाँ की एलिजिबिलिटी है, की क्वालिफिकेशन मंगी है, अते आपां किवें अप्लाई करना है ते किहड़े बच्चे अप्लाई कर सकते ने। चलो दोस्तों, वीडियो नू देखना ध्यान दे नाल, स्किप नहीं करना। तो दोस्तों इत्थे लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अपलाइंग एजुकेशनल दे विच उन्होंने की लिखा, कैंडीडेट हू हैव पास द रिक्वायस्ड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब कि जां तुहाडे कोल कोई डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की या फिर वो लास्ट ईयर दे विच होना चाहिए है तो वो एलिजिबल है अप्लाई दे लई। ठीक है, कैंडीडेट्स स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी अबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामीनेशन अलॉन्ग विद द मार्कशीट ऑफ आल समेस्टर ईयर। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जिहड़े उन्हें पहला दे हैगे ने सर्टिफिकेट वो समेस्टर दे ला देने ने नाल। ठीक है दोस्तों, इस तो बाद नोट फाइनल आंसर फाइनल समेस्टर ईयर स्टूडेंट कैंडीडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन एस एस बी। ये तो दोस्तों दसता आपां, ते हुण आपां देखते हैं पोस्टा। पोस्टा है फॉर एस एस सी टैक 58 मैन। ठीक है दोस्तों, अपने कोल इत्थे हैगियां ने सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टैक्नोलॉजी जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है दोस्तों, टोटल 41 वैकेंसियां ने। आ देख लो दोस्तों, इन्होंने कि स्ट्रीम दी मंगियां, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग वगैरह, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग। अपने को सारिया पोस्टा दिखाई ने तकरीबन। ठीक है दोस्तों, फिर उस तो बाद अपने को आ जाते हैं आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह आर्किटेक्चर असिस्टेंसशिप, मकैनिकल भी आ गया मकैनिकल इंजीनियरिंग दोस्तों, एडवांस मकैनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रीकल भी है ने। फिर कंप्यूटर साइंस दी विज्ञान, कंप्यूटर साइंस मतलब कि दोस्तों इतने बी सी ए लिखा नहीं होया, वैसे है बी सी ए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो बी सी ए वाले किवें अप्लाई कर सकते हैं। इतने एक विच दिता है देखो दोस्तों, कंप्यूटर कंप्यूटिंग इन मल्टीमीडिया कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ये अपने करवाए जाते हैं। कंप्यूटर नैटवर्किंग हो गया, ये भी बी सी ए करवाए जाते हैं। तो होर अपने को मैथमैटिक्स इन कंप्यूटर नहीं आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस करवाई जाती बी सी ए। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर साइंस होर तुसी खुद भी चैक कर लेना थोड़ा जहा, एडवांस कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशंस। आ देखो दोस्तों, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये सारा कुछ बी सी ए भी कराया जाता है। फिर इनफोरमेशन जिन्होंने आई टी की हो, आई टी इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी होंगी है, भी 9 पोस्टा ने टोटल दोस्तों। मैं सॉरी दसना भुल गया, बी सी ए जिहड़े कंप्यूटर वाले रिलेटेड ने उन्होंने 32 पोस्टा ने, मकैनिकल वाले 20 पोस्टा ने, इलैक्ट्रीकल वाले 14 पोस्टा ने। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आई टी वाले 9 पोस्टा ने, इलैक्ट्रॉनिक्स जिहड़े की उन्हों 5 पोस्टा ने। ठीक है दोस्तों, टेलीकम्युनिकेशन 3 पोस्टा ने, तो इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 8 पोस्टा ने। अपने इन तुम देख सकते हो, वीडियो थोड़ा जूम करके रोक के तुम देख सकते हो कि बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सैटेलाइट कम्युनिकेशन 2 ने, इलैक्ट्रॉनिक्स भी 2 ने, माइक्रो इलैक्ट्रॉनिक्स के भी 2 पोस्टा ने। तो इस तरह दोस्तों 5, 4, 1, 2, 3 इस तरह अपने को पोस्टा की वंड की गई है, तुम खुद देख लेना। टोटल इतने जिहड़ियां अपने को स्पैशल फील्ड्स के आ जाने ने वो अपने को 175 पोस्टा बन गया। फिर उस तो बाद आ जाता दोस्तों एस एस सी डबल्यू। ठीक है दोस्तों, ये भी अलग अलग फिर अगर पोस्टा दीतिया ने, 3 पोस्टा दीतिया ने, सिविल बिल्डिंग वाले, आर्किटेक्चर वाले, मकैनिक वाले, इन्हों की अलग अलग पोस्टा दीतिया ने। कंप्यूटर साइंस वाले ने भी अलग इन्ह की पोस्टा दीतिया ने, 4 पोस्टा दीतिया ने, आई टी वाले भी अलग पोस्टा दीतिया गई। ठीक है दोस्तों, फॉर विंडोज़ द डिफेंस पोस्ट परसनल ओनली। ये तो दोस्तों जिहड़े डिफेंस पहले ही काम करते हैं। तो अगे आ गया एस एस सी टैक एंट्री, अपने को वैकेंसी 1 रिमार्क उन्होंने की दिता अपने को बी ई बी टैक एनी टैक स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों अपने को फिर थले की आ गया नोट 1 नोट 2 दे विच की लिखा, आ कैंडीडेट परमिटेड टू अप्लाई इन ओनली 1 एंट्री। ठीक है दोस्तों, डिसिप्लिन ए ऑफ द अबव कोर्स चेंज टू एंट्री ऑफ फॉर क्वालिफिकेशन चोज विल नॉट बी एंटर्ड एंटरटेन्ड एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसैस। मतलब कि तुम किसी एक पोस्ट वास्ते ही अप्लाई कर सकते हो। नोट 2 दे विच लिखा विडो फॉर डिफेंस परसनल हु डाइड इन हार्म्स इनकलूडिंग दोज विद चिल्ड्रन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई एस एस सी डबल्यू।
प्रोवाइडेड दे हैव नॉट री मैरिड। अच्छा ठीक है दोस्तों, मतलब कि जेडे फौजी वीर अपने शहीद हो जाते हैं उन्होंने बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने कंडीशन रखी है बिकॉज ए रीमैरिड, मतलब कि उन्होंने जी मम्मी हो जाएगा बच्चों की मम्मी या उन्हों की वाइफ होगी फौजी साहब की, उन्होंने दोबारा मैरिड ना करवाई हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर नोट 3 दे कह रहा है सीरियल 2 अबव टू बी अटेस्टेड बाय एन ऑफिसर ऑफ XP MP डायरेक्टरेट IHQ हेडक्वार्टर हो गया MOD आर्मी और जेडे हॉस्पिटल होंगे फॉर ऑफिसर्स एंड बाय कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस बाय फॉर JCO एंड OR द एनवेल्प कंटेनिंग एप्लीकेशन शुड बी सब्सक्राइब इन रेड इंक क्लीयरली इंडिकेटेड नेम ऑफ, मतलब कि दोस्तों जेडे उ आ गए जेडे ना भी पहला जिन्हें शहीद होए ने परिवार ये उन्होंने वास्ते स्पैशल है, जेडे रीन्यूअल जिन्होंने करनी होंगी उन्होंने वास्ते ये कुछ कोई चक्कर नहीं है, वो सीधा भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ कमीशन, एक कमीशन भी तुम सारे रीड कर लेना नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन दी जाएगी। तो आप इतने ट्रेनिंग ट्रेनिंग दोस्तों 49 वीक्स की है, 49 वीक की है बस जी। तो अपने को रैंक वाले आ गए, पे स्केल आ गया भी अपन कि हिसाब न पे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आ देखो पे भी दी हुई है, क्वालिफिकेशन ग्रांट भी दी हुई है अपन, अदर अलाउनेंस भी दी है। तुसी सारा नोटिफिकेशन ध्यान रीड कर लेना। हुण मैं तुहानूं दस्सदा अप्लाई किवें करना है। देखो दोस्तों, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन विल बी कंसर्नड ऑनलाइन ऑन वैबसाइट। ठीक है, ओनली ओनली मतलब कि जेड़ा ज्वाइन इंडियन आर्मी है .NIC.IN सिर्फ इतने ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं, ऑनलाइन होना। इतने लिखा है ऑफिसर एंट्री एपलिन जा लॉग इन एंड क्लिक द रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड दैन फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, अवॉइड मिसटेक्स एंड देयर बाय रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि जे तुहाडे कोल मिसटेक हुंदी है तो उस दे नाल तुहाडा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, CGPA SGPA परसेंट ये आप चंगी तरह देख के भरनी है, नाम पेरेंट ये तो बिल्कुल है वधिया तरीके दे नाल लिखना है, अपलोड की होने ने 10th मार्कशीट, इंजीनियरिंग डिग्री मार्कशीट ऑफ समेस्टर ईयर। ठीक है दोस्तों, सर्टिफिकेट इशू बाय कंट्रोलर ऑफ एग्जामीनेशन। ठीक है दोस्तों, फिर उस तो बाद अपने को आ जाता है सिलेक्शन प्रोसैस, शॉर्ट लिस्टिंग ये तो अपन पता ही है, सेंटर अलॉटमेंट अलॉटमेंट, फिर उस तो बाद अपने को सेंटर, फिर मेडिकल एग्जामीनेशन भी होएगा अपने को। ठीक है दोस्तों, मैरिट लिस्ट भी बनाई जाएगी, चेंज इंटरव्यू डेट एंड सेंटर, इंटरव्यू भी होएगी इन्दे विच। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू भी होएगी, एप्लीकेशन विल ओपन 28 सितंबर तो विल बी क्लोज्ड ऑन 27 अक्टूबर तक। ठीक है दोस्तों, लास्ट डेट अपने को 27 अक्टूबर है। सो जिन्हें बच्चों का ख्वाब है आर्मी के जाना वो जल्दी तो जल्दी भर दे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए, होर जानकारियां लैन के लिए चैनल में कर लो सबसक्राइब, तो वीडियो कर दो शेयर।